गणतंत्र दिवस पर भाषण। सुप्रभात आदरणीय प्रधानाध्यापक, आदरणीय अतिथिगण, सभी शिक्षकगण और मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम सभी यहाँ हमारे देश के सबसे महान दिन गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में उपस्थित हुए हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारा भारत देश 15 अगस्त 1947 के दिन आज़ाद हुआ था, पर हमारे देश को सही आकार मिला 26 जनवरी 1950 के दिन, क्योंकि इसी दिन हमारे देश का संविधान लागू हुआ था। भारत एक लोकतांत्रिक देश है, जहां देश के हर एक नागरिक को देश के नेतृत्व के लिए अपना नेता चुनने का अधिकार है। मैं अपने देश के सभी स्वतंत्रता सेनानियों को नमन करती हूँ, क्योंकि सिर्फ उन्हीं के कारण हमारे देश को ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता मिली। देश को स्वतंत्र बनाने के लिए उन्होंने ना जाने कितने त्याग किए होंगे। हमें भी अपने देश के प्रति सभी जिम्मेदारियों को समझना चाहिए और देश के विकास में सहभागी होते रहना चाहिए। अपने देश को विश्व का एक बेहतरीन देश बनाने के लिए समाज की कई समस्याएं जैसे भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, असमानता, गरीबी, अशिक्षा जैसी समस्याओं को सुलझाने के लिए हमें आज प्रतिज्ञा लेने की बहुत ज़रूरत है। इसी के साथ मैं भाषण का अंत करती हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।